तैयार है आप अपने सरपंच से हमारी बात कराएं। सरकार आपकी बात सुनेगी। हेलो, कौन तुम लोग? हमें किसानों से मिलना है। किसानों से मिलना है? ओ कौन तुम लोग? हेलो चलो निकलो यहां से। आप हमें रोक नहीं सकते। हमारी पार्टी इस बार इलेक्शन में खड़ी हो रही है। हम कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से मिलने आए। ओ आंटी जी, इन लोगों ने पीएसी के एक जवान का किडनैप कर लिया है और कल डीएम के पांव में गोली मार दी। अगर इन्होंने उस जवान को वापस नहीं करा तो सबको गोली मार दी जाएगी। आप लोगों को तो बहाना मिल गया है गोलियां चलाने का। जमीनें खाने का इससे अच्छा चांस तो मिल ही नहीं सकता इस भ्रष्ट सरकार को। गलत जगह चिल्ला रहे तुम लोग। किसानों की सर, अभी जो पोजीशन है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है सर। ये सारा एरिया हम लोगों ने सील करके रखा है सर। ये सारा एरिया, ये सर देखिए, मैं आप लोगों को 5 मिनट का टाइम देता हूँ। किसानों ने बहुत गलत किया। पुलिस और सरकार को भी बहाना मिल गया है गोलियां चलाने का। मेन लीडर्स को टारगेट करेंगे और मार देंगे। और गवर्नमेंट को भी एक्सक्यूज मिल गई है कि हम तो पीएससी की जवान को बचा रहे थे। पब्लिक भी ना किसानों को ही ब्लेम करेगी। हमें एसपी से बात करनी पड़ेगी। आनंद, तू जाके मीडिया वालों से बात कर। टेल देम व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। ओके, तू हमें हार्श एक्शन लेना पड़ेगा। सर आपको लगता है कि हम नहीं जानते कि आप क्या करना चाह रहे हैं? सर एक्सक्यूज मी सर, आई नो यू मस्ट बी फॉलोइंग योर सीनियर्स ऑर्डर्स, पर आप ये नहीं कर सकते। करने का तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ मैडम, आप लोगों के अंदर भी कर सकता हूँ। சார் நீங்கள் தமிழ் நினைக்கிறேன், ப்ளீஸ் கொஞ்சம் நிறுத்த சொல்லுங்கள். நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் கேளுங்க சார். நீங்கள் நினச்சா அவங்கள 5 நிமிஷத்துக்கு சுற்றலாம், பட் கொஞ்சம் கருணை காட்டுங்க சார், ப்ளீஸ் சார். உங்களை மாதிரி தான் இவங்களுக்கும் அப்பா அம்மா எல்லோரும் இருக்காங்க சார். ப்ளீஸ் சார், எனக்கு 5 நிமிஷம் டைம் கொடுத்தா நான் அவங்களை எப்படியாவது வெளியே கொண்டு வரேன். இல்லைனா நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ் சார். ஓகே, ருக்ஜோ ருக்ஜோ, 5 நிமிஷம் உன்னால் என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணு, போ. தேங்க்யூ. कुंदन ध्यान से, क्या मतलब कहा क्या तूने किसानों से? कुछ नहीं, मैंने कहा डीएम को गोली मार दी कोई बात नहीं, मार दी, पर ये पीएसी का जवान तो बेचारा गरीब आदमी है, इसका बाप तो किसानी करता है तुम्हारी तरह, अगर ये मर गया तो इतनी बददुआएं लगेंगी इसकी माँ के कि साले बर्बाद हो जाओगे, सूखा पड़ेगा ऐसा कि फट जाएगी, तब रखे रहना सर। बस उनकी फट गई, छोड़ दिया इसे। कहाँ से सोचते हो भाई? अरे हम पंडित है भाई, बनारस में ऐसे ही डरा डरा के काम चला रहे हैं सालों से। हरामी हो साले। हाँ